आप देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। पीएम मोदी ने आज स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर सरदार पटेल को नमन किया, एकता दिवस की परेड की सलामी ली, देश के दुश्मनों पर डायरेक्ट अटैक किया और ट्रेनी आईएएस आईपीएस अफसरों को मंत्र दिया। थोड़ी देर में पीएम मोदी अपने ड्रीम प्रोजेक्ट सी प्लेन योजना का उद्घाटन करने वाले हैं। नर्मदा नदी पर बने सरदार सरोवर डैम से अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट तक सी प्लेन की सर्विस होगी। सी प्लेन योजना का ऐलान पीएम मोदी ने साल 2017 में किया था। आज वो तोहफा गुजरात के लोगों को देने जा रही है। आज पीएम मोदी केवड़िया के तालाब नंबर 3 से उड़ान भरकर साबरमती रिवर फ्रंट तक जाएंगे। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, सी प्लेन किसी भी वक्त उड़ान भरेगा, तैयारी पूरी हो चुकी है। उद्घाटन से पहले की ये पूरी तस्वीर आप देख रहे हैं। भारत की ये एक विशेष उड़ान होगी, ये एक नई उड़ान होगी। सी प्लेन अभी तक भारत में इस्तेमाल नहीं किया जाता था, लेकिन अब इसके साथ ही ये एक नई शुरुआत हो रही है। हमारे सहयोगी निर्णय लगातार जुड़े हुए हैं। निर्णय, ये तस्वीर हम देख रहे हैं, पहले तो सरदार पटेल को आज उन्होंने नमन किया प्रधानमंत्री मोदी ने, और अब सी प्लेन की उड़ान के वो साक्षी बनने जा रहे हैं। तैयारियों के बारे में सबसे पहले बताएं निर्णय, किस तरीके की तैयारी की गई है? जी बिल्कुल मीनाक्षी, ये अपने आप में हम ये कह सकते हैं कि जो पर्यटन विकास का क्षेत्र है गुजरात देश का, उसमें एक नया अध्याय आज जुड़ने जा रहा है। और पहले मैं आपको सीधे तस्वीर दिखाता हूँ, जो सामने सी प्लेन आप देख सकते हैं तैयार खड़ा हुआ है। ऑटर 300 ये प्लेन है जिसमें प्रधानमंत्री फ्लाई करके यहाँ केवड़िया के डेक 3 से साबरमती रिवर फ्रंट पर जाएंगे। आप तमाम तैयारियाँ यहाँ पे कर ली गई हैं, सारे अधिकारी जो हैं वो तैनात हैं। प्रधानमंत्री अब जो ट्रेनी आईएएस हैं, सिविल सर्वेंट्स हैं, उनको एड्रेस करके यहाँ आने के लिए निकल चुके हैं। हो सकता है उन्हें वो किसी भी वक्त यहाँ पे पहुँच सकते हैं, और जैसे वो यहाँ पहुँचेंगे पहले एक थीमेटिक डिस्प्ले वो देखेंगे। यहाँ पे एरोड्राम का जो वाटर एरोड्राम यहाँ पे बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं सामने जो फ्लोटिंग जेटी आपको दिख रही है, ये वाटर एरोड्राम जो है इसका वो इसे इनॉग्रेट करेंगे यहाँ पे केवड़िया के वाटर एरोड्राम को। और फिर उसके बाद इस सी प्लेन में बैठ करके वो सामने आप देखें यहाँ पे जो ये पॉन्ड नंबर 3 है, सामने आप देख सकते हैं सामने की पहाड़ियों की तरफ जो रनवे बना हुआ है वहाँ से वो टेक ऑफ करेंगे। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि ये जो प्लेन है, ये प्लेन यहाँ केवड़िया के आसमान पे पहले एक चक्कर लगाएगा, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास से लो फ्लाई करता हुआ एक टॉप एंगल व्यू यहाँ पे प्रधानमंत्री को दिखाया जाएगा। और इनफैक्ट जो भी पर्यटक यहाँ आएंगे उनके लिए ये सुविधा उपलब्ध होगी। ये सी प्लेन फिर अहमदाबाद के लिए उड़ान भरेगा और अहमदाबाद इसके बाद इसका विधिवत उद्घाटन हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि अपने आप में ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाला है, क्योंकि इससे टूरिज़्म के विकास में बहुत ज़्यादा बड़ा योगदान होगा। यहाँ केवड़िया में आपने देखा होगा जिस तरह से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के आसपास नए अट्रैक्शंस खड़े किए हैं, वैसे ही वो टूरिज्म में काफ़ी टूरिस्ट में काफ़ी चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। और ऐसे में अब सी प्लेन के साथ उसे कनेक्ट कर देना, ये अपने आप में एक नया प्रयोग है और जो कि काफ़ी सक्सेसफुल होने वाला है। क्योंकि जब 2017 में प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार फ्लाई किया था अहमदाबाद से धरोई डैम की तरफ, तब उन्होंने उसके बाद ये ऐलान किया था बाद में कि इस सी प्लेन सेवा को हम टूरिज्म क्षेत्र के विकास के लिए बखूबी यूज़ कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं एक दूसरी सबसे बड़ी खबर इसके साथ के स्पाइस जेट जो इस सी प्लेन सेवा को ऑपरेट करने जा रही है भारत में, उसने ऑलरेडी 18 रूट पहले से एक्वायर कर लिए हैं जहां पे ये सी प्लेन सेवा अब इसके बाद शुरू की जाएगी। गुवाहाटी, मुंबई और नागपुर में इसके कुछ परीक्षण ऑलरेडी किए जा चुके हैं इस कंपनी द्वारा, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये महज एक शुरुआत है। और इसके बाद मीनाक्षी, मैं आपको बता दूं कि देश में कई ऐसे छोटे छोटे रिमोट डेस्टिनेशंस हैं जो कि बहुत अट्रैक्ट करते हैं टूरिस्ट को। दो चीज़ें समझने वाली निर्णय, एक तो स्टैचू ऑफ यूनिटी क्योंकि यहाँ पर बना है, इस वजह से पर्यटन के जो शौकीन लोग होते हैं उनके लिए उत्सुकता रहेगी अब सी प्लेन की भी सवारी करने की। तो क्या टूरिज्म को उतना बढ़ावा मिल पाएगा जिस सोच से प्रधानमंत्री मोदी ने ये कदम उठाया था?
जी बिल्कुल, देखिए हमें ना चीज़ों को एक होलिस्टिक वे में देखना होगा। खाली स्टैच्यू ऑफ यूनिटी अगर बना होता तो शायद ये संभव नहीं होता, खाली सीप्लेन अगर हम उड़ा देते तो भी शायद ये संभव नहीं हो पाता, लेकिन यहाँ पे जिस तरह से एक होलिस्टिक वे में, एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में इस पूरे टूरिस्ट डेस्टिनेशन को विकसित किया गया है, आप देखिए यहाँ पर आने वाले हर व्यक्ति के लिए कोई ना कोई अट्रैक्शन अवेलेबल है। एक फैमिली अगर आती है तो बच्चों से लेकर के बूढ़े व्यक्तियों तक हर एक के साथ एक हर के लिए कुछ ना कुछ अट्रैक्शन है यहाँ पे। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इको टूरिज्म जिसकी हम बात करते हैं, मेरे ख्याल से भारत में इतना जेन्युइन डेस्टिनेशन और कोई नहीं होगा, जिसमें सबसे खास बात यह है कि प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है और तमाम प्रकार की मॉडर्न एमिनिटीज जो है वो यहाँ अवेलेबल हैं और सी प्लेन उसी को एनहेंस करेगा। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि जो टूरिस्ट हैं उनका इनफ्लो और बढ़ेगा इस सी प्लेन के सेवा के शुरू होने के बाद। और मैं आपको बता दूँ एक खास बात कि जो अट्रैक्टिव फेयर्स हैं इसके शुरुआत में जो उड़ान स्कीम के तहत ये 15 सीटर प्लेन जो उड़ेगा इसमें पहले 9 टिकट जो हैं वो 1500 रुपये में ही बुक किए जाएंगे, यानी वन साइड फेयर जो है वो 1500 रुपये का होगा। और ये अपने आप में काफ़ी ल्यूक्रेटिव ऑफर है जो प्रवासी यहाँ आना चाहते हैं उनके लिए भी। और हमें बताया गया कि 30 तारीख से जब से बुकिंग शुरू की गई है अभी इसकी पहली फ्लाइट्स जो हैं, इनिशियल फ्लाइट्स, वो ऑलरेडी बुक हो चुकी हैं। तो आप अंदाजा लगा, और कितनी देर का इंतजार हमें करना होगा क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी सी प्लेन से उड़ान भरेंगे, वो कहाँ तक जाएंगे इसके बारे में भी जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री अब किसी भी वक्त यहाँ पहुँच सकते हैं, हमें जो सूचना मिल रही है उस हिसाब से वो ट्रेनी आईएएस और आईपीएस जो हैं सिविल सर्वेंट्स उनके बैच को एड्रेस करके वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से निकल चुके हैं और वो पूरा एक राउंड लेके आएंगे क्योंकि डैम साइट से होते हुए तो किसी भी वक्त वो यहाँ पर पहुँच सकते हैं। और जैसे ही वो आते हैं यहाँ पर महज 4 से 5 मिनट का एक फॉर्मेलिटी रहेगी इस एरोड्राम का उद्घाटन करने की, और एक थीमेटिक डिस्प्ले जो यहाँ पे लगाया गया है इस सी प्लेन सेवा का, इसकी विशेषताओं को बताने का, उसको एक उनके सामने उसका डेमोंस्ट्रेशन किया जाएगा और उसके बाद प्रधानमंत्री इस प्लेन में बैठ करके अहमदाबाद के लिए उड़ान भरेंगे साबरमती रिवर फ्रंट, जो कि मैं आपको बता दूं एक दूसरा काफ़ी बड़ा अट्रैक्शन है यहाँ गुजरात में। और मीनाक्षी, मज़े की बात यह है कि दोनों के दोनों प्रोजेक्ट जो हैं यहाँ, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी प्रोजेक्ट और साबरमती रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट, इन दोनों की नींव प्रधानमंत्री मोदी ने ही रखी थी गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए, और उन्हीं के कार्यकाल में ये दोनों प्रोजेक्ट आप देख सकते हैं कंप्लीट भी हुए और अब उसमें नए नए आयाम जो है वो जुड़ते जा रहे हैं। इस सी प्लेन की एक और खास बात मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि वैसे तो जो फ्लाइंग एक्सपीरियंस है वो आपको एक नॉर्मल एयरलाइंस की तरह ही मिलेगा, एक नॉर्मल एयरबस की तरह मिलेगा, लेकिन क्योंकि ये उड़ता लो हाइट पे है, 8,000 से 12,000 फीट की हाइट पे उड़ता है, तो आप उड़ते वक्त ग्राउंड का एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं जो एक अलग प्रकार का एडिशन होगा इसमें। जी आप बने रहिए निर्णय हमारे साथ, अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री सी प्लेन में उड़ान भरेंगे। निर्णय की हम वो रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जिससे जल से नभ तक भारत की नई उड़ान देखी जा सकती है। मालदीव से भारत पहुंचा सी प्लेन केवड़िया से, अब अपनी आप देख सकते हैं पहली जो एक ट्रायल उड़ान है वो भरने के लिए तैयार है। आप देख सकते हैं ये जो पॉन्ड नंबर 3 खास तौर पर तैयार किया गया है, जहाँ पे एक वाटर एरोड्राम बनाया गया है इस तरह का फ्लोटिंग जेटी के साथ, वहाँ ये प्लेन आकर के लैंड करेगा और यहीं से टेक ऑफ करेगा, जिसके लिए आप देख सकते हैं एयरमार्क किया हुआ है इसका रनवे। जब प्रवासी इसमें बैठ करके ट्रैवल करेंगे 31 अक्टूबर के बाद, तब आप देख सकते हैं किस तरह का एक अद्भुत नज़ारा जो है वो उन्हें देखने को मिलेगा जब इस प्लेन में वो लैंडिंग और टेक ऑफ करेंगे इस खूबसूरत पॉन्ड नंबर 3 में, जो कि विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ है। और आप ये प्लेन आप देख सकते हैं यहाँ से अब ये जा रहा है अहमदाबाद, और जहाँ इसे बकायदा इंस्पेक्शन किया जाएगा, इसका बकायदा सर्विसिंग वगैरह की जाएगी और सारे टेस्टिंग प्रोसीजर्स के बाद फिर इसकी टेस्ट फ्लाइट शुरू की जाएगी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास बने इस पॉन्ड नंबर 3 और साबरमती रिवर फ्रंट पे आप देख लीजिए दोनों के दोनों विश्व के अद्भुत
टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जो कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही इन दोनों की नींव रखी थी और उन्हीं के कार्यकाल में उनकी मॉनिटरिंग में ये दोनों प्रोजेक्ट कंप्लीट हुए और उसको जोड़ने के लिए उन्होंने एक नया और काफ़ी इनोवेटिव आइडिया ढूंढा सी प्लेन सेवा का, जो कि इससे पहले भारत में कार्यरत ही नहीं थी, उस कंसेप्ट को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। तो भारत के लिए एक नया कॉन्सेप्ट है और उम्मीद की जा रही है इससे पर्यटन को अच्छा खासा बढ़ावा भी मिलेगा। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।